विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इंफोसिस पुरस्कार 2018 की घोषणा कर दी गई है। इस बार इस पुरस्कार के लिए 6 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस की श्रेणी में अनूठे बायोसेंसर और गैसीय सेंसर के डिजाइन के लिए बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर नवाकांत भट्ट को चुना गया है। नवाकांत भट्ट द्वारा डिजाइन किए गए सटीक पहचान करने वाले सेंसर्स अंतरिक्ष और पर्यावरण की निगरानी के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स की प्रोफेसर और डीन कविता सिंह को मुगल राजपूत और दक्कन काल के क्षेत्र में उनके अध्ययनों के लिए ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में पुरस्कार के लिए चुना गया है। लाइफ साइंसेज के लिए TFIR मुंबई के प्रोफेसर रूप मलिक को चुना गया है। उन्हें ये पुरस्कार जीवित कोशिकाओं की कार्यप्रणाली के लिए अहम मॉलिक्यूलर मोटर प्रोटीन पर उनके कार्यों के लिए दिया गया। मलिक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में प्रोफेसर एवं चेयर ऑफ मैथमेटिक्स नलिनी अंतर रमण को क्वांटम क्योस से संबंधित उनके शोध के लिए मैथमेटिकल साइंस की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। फिजिकल साइंस के क्षेत्र में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेज में प्रोफेसर SK सतीश को दिया गया। उन्हें जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। जबकि सोशल साइंसेज के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2018 सेंथिल मुलैनाथन को दिया गया। मुलैनाथन अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में गणन एवं व्यवहार विज्ञान में प्रोफेसर हैं। गौरतलब है कि जाने माने वैज्ञानिकों और प्रोफेसर के 6 सदस्यीय निर्णायक मंडल ने 6 वर्गों में 244 नामांकनों में से विजेताओं का चयन किया। सभी विजेताओं को पुरस्कार के रूप में स्वर्ण पदक, साइटेशन और $1,00,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। रिपोर्ट, न्यूज़ इन साइंस।